जो कि होगा VVMI पर प्रोग्राम। अब ये जो है 11वें दिन हो सकता है या अगले हफ्ते हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि इस दिन क्वेश्चन डे भी होता है। तो टोटल 11 दिन का है आपका सिलेबस, जिसमें हम आपके साथ एक्सेल के सारे फीचर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। बैच में 8 से 10 लोग हैं, इस बैच में तो टोटल 7 लोग लिस्टेड है, अभी 4 आए हैं, 3 नहीं आए, पर 7 लोग लिस्टेड है। क्लास के बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, तो अगर क्लास में कभी लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास की रिकॉर्डिंग और फाइल मिल जाएगी, तो आराम से इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। तो आज की सेशन में हम बात करेंगे आपके साथ, सबसे पहले आपके साथ बात करेंगे सिलेक्शन मेथड एंड कैलकुलेशंस के ऊपर। देखिए हमारे पास एक डेटा है, डेटा को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डेटा को सही तरीके से सिलेक्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी आपको काम करने में, आपका टाइम ज़्यादा लॉस्ट होगा। सो डेटा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने डेटा यहाँ लिख रखा है, आपके सामने दिख पा रहे हैं कि मेरा डेटा है। अब मुझे इसको सेलेक्ट कैसे करना है, बोले सर माउस से सेलेक्ट कर, माउस से सेलेक्ट करना है तो आप स्टार्टिंग को सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट को सिलेक्ट करें। देखिए क्या होता है, जनरली किसी ने अपना कैमरा ऑन किया, प्लीज ऑफ कर ले कैमरा। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने ऊपर सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ हम नीचे सेलेक्ट करेंगे, डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब कि ऊपर क्लिक है और नीचे क्लिक करो तो कर्सर मूव होता है, लेकिन शिफ्ट यूज करोगे तो कर्सर इस तरह से आएगा। फिर आपको पूरा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए कर सकते हैं, कंट्रोल ए आपका करंट रीजन होता है, ये आपका फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल में जो करंट रीजन होता है इसको फॉरवर्ड करता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मैं बीच में अगर ब्लैंक रो है तो कंट्रोल ए काम नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल ए जो है कंटिन्यूस पे वर्क करता है। जी हाँ, कंटिन्यूस जो होती है उस पर वर्क करता है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब बीच में अगर कॉलम का ही ब्लैंक है तो आपका कॉलम भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कॉलम ब्लैंक होने के कारण आगे कंटिन्यूस को फॉलो नहीं कर रहा है। दो बार कंट्रोल ए करते हैं तो पूरी शीट सेलेक्ट होगा, हालांकि शीट सेलेक्ट करने के लिए वन और ए के ऊपर ट्रायंगल है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर मुझे माउस से क्लिक करना है तो आप कंट्रोल होल्ड करें और सिलेक्शन शुरू कर दें, तो जहां जहां क्लिक करेंगे कंट्रोल होल्ड करके वहां वहां आपका सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसको आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपी करने के लिए चाहिए होगा कंटिन्यूस सिलेक्शन। जैसे कि यहाँ हमने कंट्रोल के साथ इसको 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 इस तरह से सिलेक्ट किया, अब मैं आसानी से कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने 1 से 3 सेलेक्ट किया तो दूसरे कॉलम में भी 1 से 3 ही होना चाहिए, तभी आप कॉपी कर पाएंगे, अदरवाइज कॉपी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंट्रोल को होल्ड करके अगर कॉपी सेलेक्ट करते हैं कॉपी के लिए, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब सेलेक्ट अलग अलग कीजिएगा, बट कॉपी किसी एक सेल में सिक्वेंसली होगा इस तरह से। ये हमारा सिलेक्शन का पार्ट था। सिलेक्शन के बाद हम बात करते हैं कैलकुलेशन के। देखिए एक्सेल में कैलकुलेशन सबसे परफेक्ट चीजें के लिए है, क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर में जाते हैं तो रेंज टू रेंज कैलकुलेशन, फिल टू फिल कैलकुलेशन होता है, बट यहाँ हम एक्सेल में सेल टू सेल कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए कि क्वार्टर वन का टोटल है और यहाँ पे क्वार्टर टू का टोटल है, तो क्वार्टर वन में मैंने 20 लिख दिया, क्वार्टर टू में 30 लिख दिया, सिंपल। अब मुझे इसका ग्रोथ निकालना है, तो ग्रोथ के लिए हो सकता है कि एक्सेल में फॉर्मूला हो या नहीं हो, लेकिन मेरे पास मेरा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स कहता है लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो यहाँ हम ब्रैकेट के अंदर लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट और इसको डिवाइड बाय हम ओल्डेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो रिटर्न करेगा 0.5। जब इसे परसेंटेज लगाएंगे तो देखिए आपका 50% आ गया। लेकिन बोर्ड मास मेथड जरूर यूज कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 + 2 / 2, बहुत सारे बोलेंगे रिजल्ट 2 आएगा, लेकिन गलत है, क्योंकि 2 + 2 पहले 4 नहीं करेगा, पहले 2 / 2 करेगा,
देन रिजल्ट 1+1 करेगा, रिजल्ट यहाँ 3 आए। तो इसलिए जब भी यूज करें तो बोर्ड मास मेथड का इस्तेमाल जरूर करें। अब कैलकुलेशन जब कर ही रहे हैं तो डॉलर साइन का यूज करना जरूर रखें। अब डॉलर साइन का क्या यूज होता है, चलिए हम आपको डॉलर साइन के यूज के बारे में बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये नंबर्स है, मुझे सारे नंबर्स में +20 ऐड करना है, तो मैं इजिली यहाँ पे इक्वल +20 करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो आप नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका +20 हो जाएगा। मतलब हमने एक जगह पे फॉर्मूला लगाया, नीचे ड्रैग किया, अपने आप कॉपी पेस्ट हो गया, तो हमें बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये अच्छी चीज है ना। अब मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई ये आ जाए, काम आ जाए, 10 लाख डेटा हो, तो एक एक करके कॉपी पेस्ट करना तो बहुत टिपिकल हो जाएगा ना, बट यहाँ आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम J1 पे यहाँ 20 दे, J1 पे हमने 20 दिया, अब मैं इसमें +20 करता हूँ। प्लीज म्यूट कर लें, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, आप लोग म्यूट रखें, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है सर? पूछने के लिए आप अनम्यूट करें, क्योंकि पीछे आप, ठीक है, मैं बैठा हूं, मैं अपना अपने स्टूडियो में बैठा हूं, यहां से क्लास ले रहा हूं, लेकिन आप लोग अलग अलग जगहों में बैठे हैं और आप इन्वायरमेंट पे नहीं है कि हाँ कोई ऐसा समझे कि हाँ क्लास ले रहे हैं तो ना बोले या शांति बना रखे, इसलिए आप लोग म्यूट रखे माइक को, जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है? और यूट्यूब पे भी जब लाइव होता हूँ तो वहां भी मैं बोलता हूँ कि कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछना आपके लिए एकदम कंपल्सरी है कि आप क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछ लें या चैट पे पूछ लें, हम आपको दोनों में आपको कोई आंसर देंगे। तो यहां आप देखिए कि मैंने यहां पे क्या किया, G1+J1 कर दिया। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो G1 हमारा G2 हो जाएगा। यहां देखिए, जब G1 G2 होगा तो J1 भी J2 हो जाएगा। अब यहीं पे प्रॉब्लम आए क्योंकि J1 पे हमारा डेटा फिक्स है, तो यहां हम J1 का $1 लगा देंगे 1 के आगे, ताकि जब नीचे ड्रैग करें तो 1 हमारा फिक्स रहे, 1-2 ना हो, तो हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट। अगर इसको और आसान शब्दों में समझाया तो चलिए हम एक टेबल लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मुझे यहाँ पे 5, 10, 15, 13, 18 ऐसे टेबल चाहिए। इसका उपयोग मेरा बेटा बहुत करता है, एक दिन क्लास में पीछे देख लिया, टेबल लिखने की जब बात होती है बस एक्सेल खोलता है, इस तरह से लिख देता है। तो हमने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूं ताकि 5 मल्टीप्लाई हो जाए 3 से, फिर नीचे 5 मल्टीप्लाई हो जाए 4 से, तो एक टेबल के फॉर्मेट में एक टेबल दिखा दे। बट जब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये देखिए जो एल 3 था वो 4 हो गया। अब मैं आगे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि जो हमारा के 2 था तो L3 हो गया, आपका के L4 हो गया। तो मैं चाहता हूं जब मैं आगे ड्रैग करूं तो एक इसका जो एड्रेस है वो फ्रीज ना हो, जब नीचे ड्रैग करूं तो ऊपर वाले के जो एड्रेस है वो हमारा इंक्रीज ना हो, फ्रीज हो। तो हम के का आगे डॉलर लगा देते हैं और 3 के आगे डॉलर लगा देते हैं। अब इसको नीचे की तरफ हम इजिली ड्रैग कर सकते हैं, यहां देखिए इस तरह की कैलकुलेशन हम आसानी से करते हैं। तो ये रही हमारी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बाद हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग की, क्योंकि हमारी आज रिपोर्ट फॉर्मेटिंग की क्लास है, तो हम फॉर्मेटिंग की कुछ क्लासेस आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ हम मान लीजिए कि हमें कुछ चीज़ें लिखनी है, कहीं से हमने कॉपी किया हुआ है इंटरनेट से या कहीं किसी और पेज से, हम मान लीजिए कुछ चीज़ कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के साथ मैं चाहता हूँ कि उसका कुछ भी ऐसा एक मैंने वर्ड हमने कॉपी किया, जैसे मान लीजिए एक वर्ड यहाँ से कॉपी करके यहाँ,
अब ये क्या है कि बहुत बड़ा है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पेस्ट हो, मर्ज सेल में पेस्ट हो। जब मर्ज सेल में पेस्ट होते हैं तो डायरेक्टली मर्ज में आप पेस्ट नहीं कर सकते, आपको पेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, डबल क्लिक। डबल क्लिक कीजिए फिर इसके अंदर जाइए, पेस्ट कीजिए तो पेस्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए जो ऑनलाइन है ना, मुझे ये ऑनलाइन वर्ड गलत है, मुझे बताना है, तो सिंपली इसकी कलर रेड कर दीजिए। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आपके पास यहाँ होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू बीचे बीचे काट देता है, जैसे हम लोग जनरली पेन से काटते हैं। तो आप लोगों के पास ऐसी कमेंट वगैरह में चीजें आती है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा लेकिन ये चीजें नंबर पर वर्क नहीं करती है। जैसे मेरे पास सेल्स का आइटम हमने लिख दिया और मुझे इसको करना है कि ये जो है हमारा क्रॉस हो। अच्छा विवेक जी को प्रॉब्लम हो रही है, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आप देख पा रहे हैं, मुझे इस नंबर्स को गलत बताना है कि गलत है। तो आप यहाँ जो है ड्रॉ के अंदर ऑप्शंस होता है कि आपने लिया और यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेड कलर ले लिया और यहाँ से सिंपली क्रॉस कर सकते हैं, बट ये इतना परफेक्ट नहीं होगा। हम चाहते क्रॉस हो तो थोड़ा सा इस पे हो, मतलब कि जो नॉर्मली हम एक्सेल का फीचर ऐसा होना चाहिए। तो आप राइट क्लिक करके आप जा सकते हैं फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में आने के बाद यहाँ बॉर्डर है, बॉर्डर में आप अपना कलर चूज कर सकते हैं और यहाँ ले और यहाँ से इस तरह से क्रॉस कर, ठीक है। F4 हमारा शॉर्टकट होता है। F4 शॉर्टकट होता है कि लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, लास्ट एक्शन को क्या करता है, रिपीट करता है। देख पा रहे हैं इस तरह से, अगर सही का निशान लगाना हो तो फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहां हम अगेन आते हैं अपने, जैसे कि ग्रीन कलर ले लेता हूं इस बार और इसको टिक किया और सॉरी इसको टिक किया और इसको टिक किया, ये सही का निशान आपको दे देता है। अब ये तो हो गई हमारी चीज, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं कि ये तो जस्ट विजुअल है, आप इसके बिहाफ पे फिल्टर नहीं लगा सकते, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, सॉरी फिल्टर नहीं लगा सकते, कंडीशंस फॉर्मूले वगैरह नहीं लगा सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहां पे हम कैप्स में ओ और पी लिख सकते हैं, ओ एंड पी, कैप्स में ओ एंड पी। इस ओ एंड पी को एक बार ड्रैग कर देते हैं और इसके ऊपर हमारे पास एक फॉन्ट होता है ब्रिटैनिक बोल्ड का, यहां पे ब्रिटैनिक टू नहीं बाइंडिंग टू होता है, माफ कीजिए ब्रिटैनिक टू तो रेफ्ट में काम होता है, बाइंडिंग टू, जो कि ए आपको ओ को क्रॉस और पी को जो है टिक का निशान बना देता है। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ और क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से फिल्टर लगा के हम चेक कर सकते हैं कौन सही कौन गलत है, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने ऑफिस।
लेकिन मान लीजिए फॉन्ट ना हो तो आप एक काम भी और कर सकते हैं कि कैप जे को कैप्स में रख दें और इसको -45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दें इस तरह से एंड ओके। तो देखिए आ गया और एक्स क्रॉस ले एक्स है, ये छोटी मोटी फॉर्मेटिंग से तो मोस्टली लोगों को आता ही है। अब हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। नंबर फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिए। अब जैसे मैं इस अपने कॉलन में चेक नंबर लिखना चाहता हूं, कॉलन के अंदर चेक नंबर, तो 00 करके लिखता हूं तो 0 एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि चेक नंबर 6 डिजिट का होता है, और जो मान लीजिए कभी कभी 4 डिजिट का होता है तो उसके आगे हम लोग 0 लगा देते हैं, 00 और यहाँ पे 4 डिजिट कर देते हैं, लेकिन 0 एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम सिंगल कोड लगा के यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आप लिख रहे हैं तो चलो लिख लीजिएगा, लेकिन किसी ने चेक नंबर आपको भेजा है ना, तो उसने सिंगल कोड का यूज किया है नहीं किया, 0 का यूज नहीं किया, इस तरह से दे दिया है। अब मुझे जिसका जितना 0 कम है ना उतना 0 आगे लगाना है, तो इसके लिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में आते हैं और कस्टम फॉर्मेटिंग में यहाँ देते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 0, 6 टाइम 0 लिखते हैं, ओके करते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली इसने 0 लगा दिया, जितना 0 कम था उतना 0 लगा दिया, राइट उसी तरह से मान लीजिए मेरे पास मोबाइल नंबर है। अब होता है क्या है कि +91 से आप नहीं लिख सकते, क्योंकि +91 प्लस से भी आपका शुरू होता है कोडिंग, शुरू सॉरी फॉर्मूला शुरू होता है। तो यहां हम राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल कस्टम, और यहां हम देते हैं +91 880256 0 दे दीजिए, नंबर तो लिखना ही है, 0 दे दीजिए, अब इसमें देखिए मैं यहाँ पे 880257938 रिजल्ट आ गया। तो जाहिर सी बात आप जानते हैं कोई भी हम फॉर्मूला जो है वो क्या करते हैं इक्वल से शुरू करते हैं, प्लस से भी शुरू होता है और माइनस से भी शुरू होता है, हालांकि माइनस से यूज नहीं करते। जैसे मान लीजिए मुझे करना है इक्वल 645 + 867754, एंटर प्रेस करेंगे रिजल्ट आपके साथ। तो आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यूज रखिएगा इक्वल से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां हम कोई भी नंबर लिखेंगे, नंबर लिख के जैसे एंटर प्रेस करेंगे +91 ऑटोमेटिकली लग जाएगा। उसी तरह से मेरे पास मान लीजिए आईडी है जो 3 डिजिट, हर 3 डिजिट के बाद मैं उस पर डैश करना चाहता हूं, तो यहाँ कस्टम में आप आएंगे और यहाँ पे करेंगे 123-123-123 एंड ओके करते हैं। जब ओके करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि जब भी हम कोई आईडी लिखेंगे 9 डिजिट का, हर 3 डिजिट के बाद डैश लगा देंगे। ऐसे मेरे पास अकाउंट नंबर है, अब अकाउंट नंबर आप जो है 11 डिजिट तक लिखते हैं तो शो करता है, जैसे 12 डिजिट है उससे ज्यादा होता है तो साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाता है। अब इसको शो करने के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट कस्टम में जाके एक हैश या 0 डाल के एंटर मार दीजिए, ये शो हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 15 डिजिट से ज्यादा आपका शो नहीं करें। पंद्रह डिजिट से ज्यादा जैसे आप यहां डालेंगे ये आपका 0 हो जाएगा, जितना 15 डिजिट से ऊपर डालेंगे
आपको जीरो शो हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेल की जो कैपेसिटी है 15 डिजिट से ज्यादा की एंट्री करने की नहीं, 15 एंट्री कैलकुलेशन, तो 15 डिजिट तक की कैलकुलेशन आपका एक्सेल कर सकता है, इससे बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपको इससे बड़ा नंबर लिखना है तो सिंगल को डालिए और जितना नंबर लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, राइट? समझे? तो कस्टम फॉर्मेटिंग में चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे में जैसे मान लीजिए कि मैं यहां अमाउंट लिखना चाहता हूं और अमाउंट में मैंने मान लीजिए कि 1500 लिखा, बट मैं चाहता हूं एमआरपी 1500 लिखना, बट अगर आपने मैनुअल इस चीज को लिखा तो आप एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपको एरर आ जाएगा। क्या आ गया? एरर। मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं कैलकुलेशन भी हो, एरर भी ना है और दिखे भी ऐसा, तो हमें इसके लिए कस्टम फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम, और यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में एमआरपी और इसके बाद यह हैश देके ओके कर दें। अब ये आपका एमआरपी शो हो रहा है। अब इस पे हम कोई भी कैलकुलेशन शो कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो एमआरपी शो हो रहा है जस्ट विजुअल है, ओरिजिनली जो आपका है ये आपका क्या है 1500, क्योंकि किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग आपकी विजिबिलिटी को चेंज करता है ना कि ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू आपका वही रहता है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब यहां पे चलिए एक चीज और करते हैं, 15.36 कर दिया। अब इसके ऊपर अगर मान लीजिए हम कस्टम में आते हैं और यहां मैं लिखता हूं एक हैश, सॉरी एक जीरो हैश, और यहां पे रुपीज और डॉट 00 पैसे, तो देखिए 15 रुपया 36 पैसा रिजल्ट आपके सामने आता है। तो किसी भी टेक्स्ट के आगे पीछे आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा का होना जरूरी है। अगर इन्वर्टेड कॉमा डालते हैं तभी दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, राइट? अब डेट्स के बारे में जानते हैं। देखिए आप अगर कोई डेट लिखते हैं, आज का ही सिस्टम डेट लिखना है तो कंट्रोल और सेमी कोलन करेंगे तो डेट आ जाएगा। अब इस डेट के ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक तो आपको जो यहाँ जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, या कंट्रोल शिफ्ट हैश का इस्तेमाल कर सकते हो, या अपना मतलब कि फॉर्मेटिंग में और कुछ आगे करना है तो कस्टम पे आए, सॉरी यहाँ पे डेट पे आए, अपने हिसाब की जो फॉर्मेटिंग चाहिए अलग अलग कंट्री की फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कस्टम पे आपका होता है DDMMYY। डी आपके डेट के लिए होता है, एम आपके मंथ के लिए होता है, वाई आपके ईयर के लिए होता है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऊपर आपको इसका फॉर्मेट दिखेगा। अगर मैंने यहाँ पे किया एक बार डीडी तो 30 1 2 3 के फॉर्मेट में, दो डाला तो 0 1 2 के फॉर्मेट में, तीन डालूंगा तो ये आपका फ्राइडे सैटरडे शॉर्ट में आएगा, चार बार डालेंगे तो ये देखिए कंप्लीट आएगा, और पांच बार डालेंगे, छह बार डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया डीडी डेट और स्लैश एम, मेन मंथ का ही सेम है, एक एम डालेंगे तो 1 2 3, दो डालेंगे 0 1 2 3, तीन डालेंगे तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, और चार डालेंगे तो सितंबर पूरा दिखेगा, और पांच सिर्फ सितंबर का फर्स्ट एस दिखेगा और उसके बाद वाई वाई। आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी इसको डालना चाहे डाल सकते हैं। सेम हमारा टाइम में भी होता है कि टाइम के अंदर भी एच एन एम एम एस एस होता है, उसको भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको कन्वर्ट करना है, जैसे मैं आवर 10 घंटे 30 मिनट और 20 सेकेंड है, मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट आपको विजुअल के लिए करना है तो क्या करेंगे,
जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में एम को लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में एम, 630 मिनट आ गई। लेकिन 630 मिनट जस्ट दिख रहा है, एक्चुअली में 10 घंटा 30 मिनट ही है, इस पर कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। देखिए कैलकुलेशन की पर्पज से चाहिए तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग के जो भी फॉर्मेट चाहते हैं उसको टेक्स्ट फॉर्मूला में डाल दीजिए, जैसे कि यहाँ डाल दिया हमने dd/mmm/m डालना, एंटर 630 मिनट। अब जैसे मान लीजिए एक मिनट के लिए मैं अगर ₹30 पे करता हूँ तो कितना टोटल हुआ, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाई 30, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई इसका इस्तेमाल हम करते क्यों हैं, इसका इस्तेमाल हम करते क्यों। तो चलिए एक आपको बताते हैं, एक सिंपल एक दो एग्जांपल्स आपको बताते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि नेम लिख रहा हूँ, सिटी हो गई हमारी, एड्रेस और नेम हो गया एड्रेस, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, यहाँ पे पासवर्ड हो गया मान लीजिए। अब नाम में हमने पूजा लिख दिया, अब सिटी जो है एड्रेस जो है हमारा, सॉरी एड्रेस के स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एड्रेस जो है हमारा वो सबका सिटी सेम है, तो मैं चाहता हूं लास्ट में सिटी और बाकी चीज सेम आए, तो हम यहां बंद करते हैं, यहां हम कस्टम में जाते हैं और यहां एट द रेट लगाते हैं। जीरो और हैश नंबर्स के लिए होता है, एट द रेट आपका टेक्स्ट के लिए होता है, एट द रेट लगाते हैं और यहां देते हैं हम दिल्ली 11062 और फॉर्मेट पेंट आपने सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन सेलेक्ट नहीं किए तो फॉर्मेट पेंटर से पेंट कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा F201 ठीक है, तो दिल्ली ये देखिए अपने आप लगा। अब कार्ड नंबर है तो कार्ड नंबर जाहिर सी बात है कि 16 डिजिट का होता है, लेकिन मैं 8 डिजिट ही शो करना चाहता हूँ, पहला 4 और दूसरा 4, लेकिन बीच में XXX जो लगा होता है ना ऐसा लगाना चाहता हूँ, तो मैनुअल लगाने में प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करेंगे कस्टम में जाते हैं। कस्टम में जाने के बाद यहाँ 1 2 3 4 चार टाइम 0 इन्वर्टेड कॉमा में 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 फिर यहाँ 1 2 3 4 हमने डाल के ओके कर दिया। अब देखिए कि जो भी हम कार्ड नंबर लिखेंगे, कार्ड नंबर हम सिर्फ 4 के डिजिट, 4 डिजिट पहले का 4 डिजिट लास्ट का लिखेंगे, बीच में एक्स एक्स अपने आप लगा हुआ आ जाएगा। अब मजेदार बात होता है पासवर्ड में, अब पासवर्ड में चाहता हूँ कोई देख ना पाए या प्रिंट आउट ना निकले, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 बार स्टार रख देंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग में क्या करेंगे 2 बार स्टार रख देंगे, और जैसे ओके करेंगे आप देखेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग में इस तरह का हो गया, मतलब जो भी पासवर्ड डालेंगे वो स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दूसरी एग्जांपल की बात करें तो दूसरी एग्जांपल चलिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिस्ट ऑफ द नेम है और मैंने एक डेटा निकाला है, किससे, जो आपका एक्सेस कार्ड का डेटा होता है ना वो निकाला है कि आपने डोर ओपन करने के लिए किस दिन कितना एक्सेस कार्ड को यूज किया, कितना बार यूज किया आपके अटेंडेंस के लिए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि 6 तारीख में पूजा ने एक्सेस कार्ड का यूज नहीं किया, 13 तारीख को भी नहीं किया है और 27 को भी नहीं किया और 31 को भी नहीं किया, इसका मतलब ये दिन वो आया नहीं था, तो इसकी अटेंडेंस में लगेगा अब्सेंट, अटेंडेंस में क्या लगेगा अब्सेंट लगेगा। तो हम इसको कैसे करें अब्सेंट लगाएंगे, हम चाहते हैं कि जो नंबर्स हैं वो आपका हो जाए पी और जो 0 है हो जाए ए, जी हाँ कर सकते हैं। हम कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में पी लिखेंगे। देखिए इसके अंदर जो हम डालते हैं ना, इसके 4 जो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 0 एंड टेक्स्ट, और इसको सेपरेट हम करते हैं सेमी कॉलन से, जैसे फॉर्मूला कॉमा से सेपरेट होता है ऐसे यहाँ सेमी कॉलन से सेपरेट होता है यहाँ पे, तो हमारे पास निगेटिव तो है ही नहीं तो ब्लैंक छोड़ दिया, 0 में डाल दिया ए, और जब मैं इसको ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हो गया। मैं चाहूँ तो इसमें कलर रेड कर सकता हूँ कि भाई जो अब्सेंट है वो कलर रेड हो जाए,
तो इसके आगे हम बड़ी ब्रैकेट में लगाएंगे रेड रेड एंड ओके कर। तो जहां जहां अब्सेंट था वहां वहां हो गया रेड। तो इसका इस्तेमाल हम आसानी से करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम कंडीशनल फॉर्म, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मेटिंग जो हमने किया उसमें कुछ खास था नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए मुझे आपको अपने हिसाब की फॉर्मेटिंग करनी हो तो उसके लिए यूज करना होगा अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे मैं चाहता हूं कि जो जो क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है वो हाईलाइट हो जाए, जो जो क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है वो हाईलाइट हो जाए। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आइकन्स है। इसमें हमारा हाईलाइट सेल्स रूल्स दिखेगा, हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसमें आप देखेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू बचिए हैं, तो हम ग्रेटर देन को सिलेक्ट किया। ग्रेटर देन में मैंने यहाँ पे दिया 50, कि 50 से ऊपर जितने भी हाईलाइट हो जाए, ये हाईलाइट हो गया। और इसके साथ इसका कलर देख सकते हैं कि येल्लो हो गया था, हो जाता है, ग्रीन है, ये आपका राइट रेड है, ये आपका रेड है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं, ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। और हाईलाइट ही नहीं रहेगा, ये मेंटेन रहेगा। जैसे कभी 63 है तो हाईलाइट है, जैसे 36 हो जाएगा हाईलाइट हट जाएगा, या 36.98 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका हाईलाइट हो जाएगा, तो हाईलाइट रहेगा। तो इसमें क्या क्या है एक बार देखते हैं। ग्रेटर देन किसी नंबर से बड़ा को है तो हाईलाइट करता है, लेस देन किसी नंबर से छोटे को हाईलाइट करता है, बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू को हाईलाइट करेगा। अब ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन में आप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं और डेट का, टाइम का कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट का नहीं। ऐसे करके ग्रेटर देन पूजा एक गलत होगा। हाँ, इक्वल टू में आप एग्जैक्ट सेल वैल्यू, चाहे नंबर हो या आपका हो डेट। जैसे मैं चाहता हूँ 3 सितंबर को हाईलाइट करना, तो मैं यहां इक्वल टू को करूंगा और यहां पे हम 3 सितंबर 2022 हाईलाइट हो गया। उसके बाद मुझे नेम को हाईलाइट करना है तो यहां पे मैं इक्वल टू, हमने पूजा किया, पूजा हाईलाइट हो गया। मैं स्केप कर दे रहा हूं इसलिए हाईलाइट हट जाता है, ओके करूंगा तो हाईलाइट रहेगा। अब बात आती है कि अगर मैं इक्वल टू करता हूं तो एग्जैक्ट हाईलाइट होता है, एग्जैक्ट हाईलाइट होता है, जैसे कि पूजा, बट पूजा सिंह नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि पूजा जहां जहां हो वो हाईलाइट हो जाए, तो यहां टेक्स्ट दैट कंटेन आपको दिख रहा होगा, टेक्स्ट दैट कंटेन इस पे क्लिक करेंगे और यहां पूजा लिखेंगे तो जहां जहां पूजा है हाईलाइट हो जाएगा, चाहे वो अकेले हो या किसी और के साथ, पूजा सिंह के हो या कुछ और हो, तो उसको हाईलाइट कर देगा इस तरह से। ये आपका यहां पे फिर आता है डेट ऑकरिंग। जैसे मैं चाहता हूं सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग हाईलाइट, जैसे मैं एक काम करता हूं 20/9 नीचे ड्रैग करता हूं, मैं चाहता हूं आज की जो करेंट डेट है वो हाईलाइट, तो आप बोलेंगे ठीक है मैं इक्वल टू में आज की डेट डाल देता हूं। जैसे मैं डाल दी 30 सितंबर, हाईलाइट हो गया, लेकिन ये हमेशा 30 सितंबर ही हाईलाइट होगा। मैं चाहता हूं कि सिस्टम डेट जैसे चेंज हो तो ये भी अपने आप को चेंज करे, तो उसके लिए यहां हम जाते हैं एक यहां पे डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग में हम यहां सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं टुडे सेलेक्ट कर लिया तो आज की डेट हाईलाइट हो गई। अगर ओके करके मैं सेव कर दूं फाइल, कल इस फाइल को खोलूं तो ऑटोमेटिक 1 अक्टूबर हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका 2 अक्टूबर हो जाएगा। जैसे जैसे डेट चेंज होगा या अपने आप को चेंज कर लेगा, ऐसे ही टुमोरो, ऐसे ही इन द लास्ट 7 डेज, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, दिस वीक, सारा इस तरह से हाईलाइट होगा। अब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद आती है डुप्लीकेट वैल्यू। अगर सिलेक्टेड रो एंड कॉलम में कोई वैल्यू मोर देन वन टाइम है तो डुप्लीकेट उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे 10 3 बार है, 4 बार है, तो 10 चारों 10 को हाईलाइट कर दिया।
इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आता है हमारे पास टॉप बॉटम, कि मुझे टॉप 10 को हाईलाइट करना है तो टॉप 10 हाईलाइट हो जाएगा, मुझे बॉटम 10 हाईलाइट करनी है तो बॉटम 10 हाईलाइट हो जाएगा, मुझे अगर अबव एवरेज जैसे सिलेक्टेड के रो का जो एवरेज है 47, मैं चाहता हूँ 47 से बड़ा हाईलाइट हो जाए तो यहाँ अबव एवरेज लेंगे हाईलाइट हो जाएगा, और बिलो एवरेज करेंगे तो आपका बिलो एवरेज हाईलाइट हो जाएगा। मैं ओके कर दूँ तो हाईलाइट रहेगा, मैं एस्केप कर देता हूँ, हटा देता हूँ ताकि दूसरी फॉर्मेटिंग डाल सकूँ। इसलिए हालांकि एक सेल पे कई सारे फॉर्मेटिंग आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक सेल पे एक ही फॉर्मेटिंग डालें, कई सारे फॉर्मेटिंग, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग भी आप डाल सकते हैं, इसकी फाउंडेशन नहीं है। अब डेटा बार में इस तरह का बार जनरेट कर देता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं डालूँ कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4 5 6 7, तो आप जो डेटा बार देखेंगे जैसे जैसे मेरा बार हाईलाइट होगा ऐसे ऐसे हाईलाइट होता जाएगा, इससे पता चलता है कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे लोएस्ट कौन सा है। कलर स्केल भी कलर की तरह करता है, लेकिन सबसे डेट होता है आइकन, जो कि आप अपने हिसाब से आइकन डालेंगे तो आइकन के रूप में बताएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा है। आइकन का इस्तेमाल यहाँ भी करते हैं, जैसे क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू है, क्वार्टर वन में 50 है, क्वार्टर टू में 60 है, यहाँ पे तो इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आइकन्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो बड़ा है और छोटा है, देखिए इस तरह का सैंपल आ जाता है सिंपली। अब बात करते हैं कैलकुलेशन। जी हाँ, इसमें कैलकुलेशन की जा सकती है, अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, या मोबाइल नंबर हटा देता हूँ, मैं यहाँ अकाउंट नंबर लिख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई टेक्स्ट एंट्री ना करे, जैसे ही कोई टेबल, क्योंकि मेरे में बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि SBI या फिर अकाउंट नंबर लिख देते हैं, तो गलत होता है, या अमाउंट ही है, अमाउंट अगर टेक्स में लिख देंगे कि MRP 1500, तो कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही इसमें कोई टेक्स लिखे ये हमें हाईलाइट करके बता दे। अब सेल में टेक्स्ट है कैसे पता चलता है, एक फॉर्मूला है इज टेक्स्ट का, अगर टेक्स्ट हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे कहाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कैसे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और यहां पे हम रखेंगे, और B2 को सिलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग में गए और अपनी फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करके ओके किया, देन ओके, और फिर हम फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ पेंट करेंगे। जैसे ही हम नंबर लिखेंगे तो ठीक है, पर जैसे टेक्स्ट लिखे ये आपका हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी कस्टम फॉर्मेटिंग के थे। बाकी हम बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने कोई भी रिपोर्ट का फॉर्मेट तैयार करते हैं। देखिए फॉर्मेट जो हम तैयार करते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो चलिए एक रिपोर्ट हम बनाना चाहते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हम पिवट टेबल के जरिए लास्ट क्लास में इसी तरह का रिपोर्ट बनाएंगे। जैसे देखिए आप, अब इस रिपोर्ट्स में आप देख पा रहे हैं कि चार्ट लगा है, या अभी जो स्लाइसर वगैरह लगे हैं वो तो लगे हैं, लेकिन इसके अलावा नीचे आप देखिए इसकी फॉर्मेटिंग कितनी मजेदार है, दिख रहा है सर, ये दिख रहा है। तो सोचेंगे इसको कैसे बनाया, इसे देखिए, इसे पहले डेटा रखा है, डेटा रखा, डेटा रखने के बाद फिर इसने ऐसे कर दिया। अब बोले ये कैसे किया इसने, ये इस तरह का कैसे बनाया, ये जो दिख रहा है आपको ये कैसे बनाया। डेटा तो समझ में आ गया कि डेटा रखा हुआ है, बट ये बनाया कैसे इसने, इसका यूज बेसिकली इसने क्या किया था, आता हूं इसने यहाँ पे यहाँ इंसर्ट में गया है, इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन होता है, आप लोगों की मेरी स्क्रीन सही से आ रही है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से इसने शेप्स को लिया होगा, तो कैसे शेप्स को लिया, तो देखिए ए वाली शेप्स को पहले लिया यहां,
और इसमें अपनी फॉर्मेटिंग जो डाला हुआ है, फॉर्मेटिंग डाल दी, जैसे कि हमने ये वाली कलर डाल दी, और बॉर्डर को हम नो लाइन कर देते हैं, नो आउटलाइन, बॉर्डर हटा देते हैं ताकि स्मूथ दिखे। उसके बाद हमने क्या किया, इसने इसने क्या किया, इलस्ट्रेशन में गया और ए वाली जो स्लैब दिख रहा है इसको ले लिया और यहां से इसको हमने ड्रैग किया। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं है, इसी को किया है सर, इसी को दोबारा, इसको सेंड टू बैक कर दिया, ठीक है, और इसकी कलर कर दी नो फिल, और इसका बॉर्डर का आउटलाइन जो ग्रीन है ये वाली ग्रीन वो ले लिया, हो गई सर परफेक्ट। और इन दोनों को सेलेक्ट किया, अब इसको थोड़ा सा माने कि अपने हिसाब से करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर ये तो यहाँ स्मूथ है और ये यहाँ पे कर्व हो गया क्या, ये कैसे हो, दिख रहा है अलग अलग कर दिया मैंने, तो इसके लिए इसने क्या किया, इसको एडिट शेप्स कर सकते हैं, यहाँ देखिए एडिट शेप्स होता है, और यहां से इसने इसको कर्व कर दिया कि भाई इस तरह से होना चाहिए, हो गया सर परफेक्ट। अब इसके पीछे हम कुछ भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेम चीज ने यहां भी किया हो, तो जो फॉर्मेटिंग करते समय हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा फॉर्मेट कैसा होना चाहिए और हाईलाइट वगैरह कैसे होनी चाहिए, डेटा कैसा दिखना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। अगर हम आगे बढ़े, एक और फॉर्मेट आपको दिखाया, तो चलिए एक और सेल्स डैशबोर्ड के बारे में दिखाएंगे, इसमें फॉर्मेटिंग दिखाएंगे। अब ये देखिए, ये भी एक तरह का फॉर्मेट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है फिगर को, लेकिन हमने यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है सर, कर्व करने के लिए, पता भी नहीं चल रहा तो ये कैसे किए। देखिए इसके लिए सिंपल है, हमने क्या किया इसके लिए, चलिए बताते हैं। हमने एक सबसे पहले एक यहाँ पे एक एरिया लिया जहां मुझे करना है, उस एरिया को हमने कर दिया कलर, एक लाइट कलर ले लिया, और जितने एरिया में मुझे बनाना है जितना ये बनाना है उसको सेलेक्ट करके इसकी कलर कर दी हमने व्हाइट। पर प्रॉब्लम है कि ये कर्व में अलग से कर्व में नहीं है, मतलब कि ये इस तरह से कोण में है, जो थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाने के लिए कर्व चाहिए होगा, तो इंसर्ट करते हैं इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशंस में सैप्स लेते हैं, और सैप्स में इसको लेते हैं और इसको ड्रैग करते हैं, ड्रैग करते समय इसकी सैप कलर जो है वो नो फिल, और इसकी बैकग्राउंड कलर वही कलर लेता हूँ जो हमने यहाँ पे इसको लिया हुआ, आपका बैकग्राउंड कलर हुआ है तो बॉर्डर वही लिया हमने, बॉर्डर कलर वही कर दिया, और इसकी साइज को हम अपने टेक्स्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग फिक्स कर देते हैं, और इसकी विड्थ जो है यहाँ से विड्थ हम बढ़ा भी देते हैं ताकि ये देखिए तो आपको ऐसा लग रहा है कि कर्व किया गया है, लेकिन हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। तो ऐसी फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं अपने रिपोर्ट जब डैशबोर्ड तैयार करते हैं, तो ये डैशबोर्ड है इसका यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आपके सामने हमारे पास सेल्स डैशबोर्ड है, ये सेल्स डैशबोर्ड जो आप देख पा रहे हैं, इस तरह की डैशबोर्ड भी हम आसानी से बना सकते हैं, ये बनाना सिखाएंगे, दो तीन डैशबोर्ड कवर है आपके कोर्स में। तो अभी आप कीजिए प्रैक्टिस, आज होगी हमारी फॉर्मेट की क्लास खत्म, कल की क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे डेटा हैंडलिंग के बारे में, जिसमें प्रोटेक्शन होगा, फिल्टर होगा और पिवट टेबल, तो
अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर प्रैक्टिस करते समय कोई डाउट होता है तो मुझे कॉल कीजिएगा। लेकिन आज का एक प्रोजेक्ट भी है, प्रोजेक्ट ये है, दो पर्ची दे रहा हूँ आपको। पहला, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ना, सेम फॉर्मेट आपको एक्सेल में बनाना है, सेम टू सेम फॉर्मेट आपको एक्सेल में बनाना है। दूसरा, हमने थोड़ी देर पहले कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में आपको पढ़ाया था, इसमें हमने पासवर्ड के बारे में बताया था। लेकिन इस पासवर्ड में एक छोटी सी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं टेक्स्ट और नंबर दोनों लिखता हूं तो दिख जाता है। अब आपको अपना सॉल्यूशन फाइंड करके देना है कि कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर क्या डालें डबल स्टार के जगह पे, ताकि हम नंबर और टेक्स्ट किसी को भी हम स्टार में कन्वर्ट कर दें, इसको हाइड कर दें। ठीक है,